सभ्यता संस्कृति से भरपूर हमारे देश में आस्था और वैराग्य का विशेष महत्व रहा है। शास्त्रों के अनुसार गंगा जी ज्ञान की, यमुना जी भक्ति की, ब्रह्मपुत्रा तेज की, गोदावरी ऐश्वर्य की, कृष्णा कामना की और सरस्वती जी विवेक के प्रतिष्ठान के लिए संसार में आई हैं। इसी तरह माँ नर्मदा वैराग्य की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं। और इसीलिए देश के एक राजनेता ने वैराग्य के भाव से देश में सद्भाव समरसता लाने के लिए अपनी सभी राजनैतिक पद प्रतिष्ठा छोड़कर वैराग्य की अधिष्ठात्री मूर्तिमान मां नर्मदा की परिक्रमा के लिए चल पड़ा। इकहत्तर वर्षीय दिग्विजय सिंह जब सपत्निक नर्मदा परिक्रमा के लिए निकले तब शायद यह एक बड़ा स्वाभाविक प्रश्न था कि तमाम भौतिकता से घिरे होने के बाद और उम्र के इस पड़ाव में एक राजा कैसे परिक्रमा पूरी करेगा। दिग्विजय सिंह ने नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत पत्नी अमृता तथा सहयोगी रामेश्वर नीखरा के साथ 30 सितंबर 2017 को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के बरमान घाट से की। परिक्रमा के शुरुआती दिनों में 3 किलोमीटर प्रतिदिन का सफर तय हुआ, उसके बाद धीरे धीरे यह क्रम आगे बढ़ता गया। सामाजिक समरसता, सद्भाव, आध्यात्म का संदेश लिए दिग्विजय सिंह नर्मदा के किनारे जहां जहां पहुंचे लोगों ने खुले हृदय से उनका स्वागत किया। राजा दिग्विजय सिंह ने अपनी बात रखी, लोगों की बात सुनी, रास्ते में मिलने वाले साधु संत महात्मा आदि से लगातार आशीर्वाद प्राप्त करते हुए दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा माँ नर्मदा के प्रताप से आगे बढ़ रही थी। इस दौरान प्रदेश के कई दिग्गज नेता भी दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए उनके इस अतुल्य कार्य का हिस्सा बनने पहुंचते रहे और मां नर्मदा की यह सेवा यात्रा आगे बढ़ती रही। नर्मदा के किनारे रहने वाले ग्रामवासियों के द्वारा सदैव से नर्मदा परिक्रमा करने वाले लोगों का स्वागत सत्कार करने की परंपरा रही है। इस परंपरा का सुंदर उदाहरण दिग्विजय सिंह की परिक्रमा यात्रा में भी दिखा। आदिवासी, जनजाति, वनवासियों के द्वारा इस यात्रा का पारंपरिक नृत्य एवं गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। माँ की परिक्रमा करने वालों के लिए आदिवासियों का इतना प्रेम और आदर देखकर हर कोई हैरान था। ऐसा लग रहा था मानो नर्मदा परिक्रमावासी उनके ही घर के लोग हैं और जिस सामाजिक समरसता और सद्भाव के लिए परिक्रमा शुरू की गई थी वह पूरी होती नजर आई। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और गुजरात में आराध्य नर्मदा के दोनों किनारों पर बसे लोगों के प्रेम आत्मीयता ने किसी भी परिक्रमावासी को कभी थकने नहीं दिया, बल्कि उनसे मिलने, उनके आदर, सत्कार, आस्था और विश्वास को देखकर परिक्रमावासियों में ऊर्जा का एक सकारात्मक संचार हो रहा था। बीहड़, जंगल, पहाड़ों के दुर्गम रास्तों से होते हुए
परिक्रमावासी आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं मां नर्मदा उन्हें ताकत दे रही है। गांव शहर प्रदेश होती हुई यह यात्रा आगे बढ़ रही थी। दिग्विजय सिंह के दृढ़ संकल्प का जीवन संगनी अमृता बराबर साथ दे रही थी। और उनके साये की तरह साथ साथ मां के गोद में विचरण करते हुए आगे बढ़ रही थी। अब 3 किलोमीटर प्रतिदिन की यात्रा बढ़कर 9 से 10 किलोमीटर और यात्रा के अंतिम दौर में यह सफर 20 से 22 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई। और इस तरह 192 दिन के यात्रा के बाद 193 दिन यह यात्रा बर्मान घाट में पूरी हुई। मगर इस यात्रा के पूरा होने के बाद यह समझ आया कि दिग्विजय सिंह की मां नर्मदा की यात्रा पूरी करने की जिद उनकी तमाम राजनैतिक जिदों से कहीं ज्यादा थी। इस यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह और मां नर्मदा के करुणामय व वात्सल्य स्वरूप को निकटता से देखा गया। और आज दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा यात्रा देश भर को एक संदेश दे गई कि सेवा का भाव जाति धर्म से ऊपर उठकर आध्यात्म और सद्भाव के साथ ही पूरा किया जा सकता है। नर्मदे हर। नर्मदे हर।